हेलो एंड नमस्कार सभी को। आज हम बात करेंगे द कोलिजियम सिस्टम की, किस तरीके से द कोलिजियम सिस्टम वर्क करता है, कौन कौन कोलिजियम सिस्टम में कितने मेंबर्स होते हैं, कोलिजियम सिस्टम क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशनड है नहीं है, किस तरीके से सारी चीज़ें इवॉल्व हुई हैं उसको हम आज देखेंगे। इसको हम यूपीएससी के तैयारी के, यूपीएससी के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के हिसाब से डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट एंड फॉर्मर जज ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, एंड ही वॉज रिकमेंडेड बाय द सीनियर फॉर द पोजिशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाय द करेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उनकी पोजीशन के लिए फॉर द ही वॉज रिकमेंडेड फॉर द पोजीशन ऑफ द CJI, करेंटली सर्विंग एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ही सेट टू अज्यूम द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाय नवंबर 2022, एंड ही इज द सन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया YV चंद्रचूड़। कोलेजियम सिस्टम की बात करें, फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात करें, इट इज अ वे बाय विच जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड एंड ट्रांसफर्ड। तो कोई आपसे पूछे कोलेजियम सिस्टम अपॉइंटमेंट सिस्टम ये जो जजेस का है, तो बाय विच द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटेड एंड ट्रांसफर्ड। कोलेजियम सिस्टम इज नॉट रूटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कोलेजियम सिस्टम जो है उसकी जो रूट्स हैं, उसका जो पूरा जो चीज़ें हैं वो मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। स्पेसिफिक लॉ प्रोमुलगेटेड बाय पार्लियामेंट, इट हैज़ इवॉल्व थ्रू द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो किस तरीके से इवॉल्व हुआ है आगे वीडियो में हम ये भी देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम इज 5-member body। तो सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम जो है 5-member body है, हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड कॉम्प्रोमाइज 4 other senior-most judges ऑफ द कोर्ट एट दैट टाइम। तो 5 member होते हैं, 1 CJI एंड 4 other जो मेंबर्स होते हैं, अदर जो मेंबर्स होते हैं वो 5 senior-most judge ऑफ कोर्ट एट दैट टाइम। हाईकोर्ट कोलेजियम की बात करें तो इट इज लेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट एंड 2 other senior-most judges ऑफ दैट कोर्ट। जजेस ऑफ द हायर जुडिशरी आर अपॉइंटेड ओनली थ्रू द कोलेजियम सिस्टम एंड गवर्नमेंट हैज रोल ओनली आफ्टर नेम्स हैव बीन डिसाइडेड बाय द कोलेजियम। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं इस लाइन का, ये लाइन रिफ्लेक्ट करता है, ये लाइन जो रिफ्लेक्ट करती है, ये लाइन रिफ्लेक्ट करती है बैलेंस ऑफ पावर। किस तरीके से सेग्रीगेशन है लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के काम में, एक बैलेंस अप्रोच दिया है ताकि नो वन बिकम्स वेरी पावरफुल कि जो चाहे वो कर ले, तो फिर अथॉरिटेरियन साइड की तरफ हो सकता है चीज़ें जाने लगे। इसीलिए हमारे संविधान की ये ब्यूटी है कि बैलेंस ऑफ पावर जो है चीज़ें इस तरीके से मेंशनड है कि एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, सबकी चीज़ें डिमार्केटेड है। नेम्स दैट आर रिकमेंडेड फॉर अपॉइंटमेंट बाय हाई कोर्ट कोलेजियम रीचेस द गवर्नमेंट ओनली आफ्टर द अप्रूवल बाय द CJI। तो हाई कोर्ट जो कोलेजियम भी रिकमेंड करेगा वो चीज़ गवर्नमेंट तक तब पहुँचेगी जब उसका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा एंड सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम द्वारा, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम द्वारा भी अप्रूवल होगा, तब वो गवर्नमेंट के पास जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन की बात करें तो आर्टिकल 124 सब सेक्शन 2 आर्टिकल 217 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट अपॉइंटमेंट आर मेड बाय द प्रेसिडेंट हु इज रिक्वायर्ड टू होल्ड कंसल्टेशन विद सच ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑफ द हाई कोर्ट, जिनसे उनको लगे कि हाँ ठीक है, उनके उससे जो है as he may think is needed वो consult करेंगे। but the constitution does not lay down any process for making these appointments। the collegium system evolved out of series of judgments, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि collegium system कैसे evolve हुआ। अगर आपसे कोई पूछता how the collegium system has evolved, तो here is the answer। the collegium system evolved out of a series of judgments of the supreme court that are called judges cases।
फर्स्ट जज केस की अगर हम बात करें तो एग्जीक्यूटिव मस्ट हैव प्रिमेसी इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट. सेकंड जजेस केस की बात करें 93 नाइन जज बेंच आफ्टर 12 ईयर द सीजीआई मस्ट बी गिवन प्रायोरिटी इन सच अपॉइंटमेंट. थर्ड जज केस की बात करें 98 तो रीआइटरेटेड द सेम. सिंस देन द कोलेजियम सिस्टम हैज इवॉल्व. तो फर्स्ट जज, सेकंड जजेस, थर्ड जजेस केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कोलेजियम सिस्टम किस तरीके से इवॉल्व हुआ उसका बेसिस आपको वहां मिलेगा. इन अ ब्रीफ मैनर हमने डिस्कस करा कोलेजियम सिस्टम को, किस तरीके से अपॉइंटमेंट होते हैं, किस तरीके से ये चीज न्यूज में था, इसलिए हम लोग उसको कवर कर रहे हैं करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से. नोट्स बना सकते हैं, अगर इसका आपका नोट्स नहीं अपडेटेड है बना के उसको अपडेट करिए. नोट्स इज द की फॉर योर रिविजन. पढ़ाई हम कितनी भी कर लें, नोट्स बनाएं चाहे ना बनाएं, रिवीजन की टेक्निक होनी चाहिए कि एएसएपी अगर कल एग्जाम है तो आज के दिन में सारे सब्जेक्ट्स को अगर रिवाइज करना है तो वो कैसे रिवीजन करेंगे. अगर आपको लगता है कि 20 30 50 बुक को हम एक दिन में रिवाइज कर सकते हैं नोट्स बनाए बगैर सिर्फ अंडरलाइन करके, गो अहेड, वेरी नाइस. लगता है नहीं कर सकते हैं तो नोट्स आज से बनाइए, कल कभी नहीं आएगा, एग्जाम जरूर आ जाएगा. और एग्जाम में जो रिजल्ट है पॉजिटिव हुआ तो वेरी गुड, नहीं हुआ तो फिर आपको लगेगा ये क्यों मिस कर दिया. तो बेटर उसको रिग्रेट करने से अच्छा है स्टार्ट वर्किंग टुडे. थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो.